तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपकी यूनिफॉर्म मोशन की, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 आपकी हो जाएगी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर की, और v क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, और t2 माइनस t1 आपका टाइम इंटरवल है, कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर की x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 को मैंने x ले लिया और v आपकी स्पीड होगी, t2 माइनस t1 को मैंने t ले लिया, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका ये होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और अगर मैं इसको वेलोसिटी बोलूंगा तो ये हो जाएगा आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपको यूनिफॉर्म के केस में ये फॉर्मूला आपको लगाना है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में। अब यूनिफॉर्म मोशन में आगे हम क्या करेंगे, कुछ ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, ग्राफ्स आपको प्लॉट करने आने चाहिए, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में भी आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है। तो देखो एक बार मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिस्कस कर लेता हूँ, आपने ऐसी इक्वेशन पढ़ी होगी स्ट्रेट लाइन की, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ये अगर हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी अगर एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आपकी है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस है, इस इक्वेशन में ये जो आपका एम है, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप, ये लाइन की स्लोप है, अभी बताऊंगा मैं आपको स्लोप कहां से दिखेगी आपको, स्लोप ऑफ लाइन, एंड जो सी आपका यहां पे है, सी दिस इज इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसी लाइन बनेगी, है सीधी लाइन बनेगी ऐसे, तो अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ऐसे ऐसे बनेगी लाइन, ऐसी लाइन, ये इसका ग्राफ है। तो ये जो है ना, ये जो जहां पे ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, ये जो है जहां पे एक्स इजिकल टू जीरो पे जो वाई की वैल्यू है, एक्स इजिकल टू जीरो पे जो वाई की वैल्यू है, या जहां पे ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, दिस इज सी, ठीक है। और जो स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप होती है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो लाइन जो एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बना रही है, इसका टेंजेंट, तो टेन थीटा होता है, ये आपकी स्लोप होती है, दिस इज स्लोप। तो यहां पे आपको थोड़ा सा, थोड़ी सी इसके थीटा के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, थीटा के बारे में, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, जो आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। देखो टेन थीटा आपका क्या होगा, पॉजिटिव, अगर अगर थीटा की वैल्यू, अगर आपका थीटा लेस देन, आपका लेस देन 90 है, तो अगर थीटा आपका लेस देन 90 है तो आपका टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। देखो यहां पे, यहां पे ये जो लाइन है, अब इस केस में थीटा आपका कितना है, थीटा आपका 90 से कम है, एक्यूट एंगल है, अगर आपका यहां तक, जस्ट यहां तक थीटा यहां पे हो जाएगा 90 डिग्री, तो अगर थीटा आपका 0 और 90 के बीच में है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या लेना है, अगर थीटा आपका 0 और 90 के बीच में है तो आपका जो टेन थीटा है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, टेन थीटा क्या होता है आपकी स्लोप, तो आपकी स्लोप क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो लाइन की स्लोप पॉजिटिव कब लेनी है, अगर ये एंगल, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है, 0 और 90 के बीच में है, तो हमें क्या लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है। अगर देखो भाई, अगर ये आपका टेन थीटा क्या हो जाए, अगर टेन थीटा आपका ग्रेटर देन 90 हो जाए, ग्रेटर देन 90 हो जाए, तो आपको क्या लेना है, आपको टेन थीटा लेना, नेगेटिव स्लोप लेनी है, नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव का मतलब है भाई आपकी जो ये है ना लाइन जो है, ये यहां पे तो 90 आ गया, ये ऐसे चली जाए, ऐसे, अगर ऐसी लाइन है, जैसे अगर मैं यहां एक और ग्राफ बनाऊ इसका, अगर ऐसी लाइन की बात करें, ये जो लाइन है,
ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है लाइन, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो बना रही है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90, दिस इज ग्रेटर देन 90, ये एक्स एक्सिस आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस है, तो ये जो लाइन है आपकी ये ग्रेटर देन 90 एंगल बना रही है, तो यहाँ पे आपके टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि जीरो और 90 के बीच में टेन थीटा होता है पॉजिटिव, और 90 से 180 तक थीटा आपका होता है नेगेटिव, ठीक है, तो ये होगी आपकी स्लोप, अगर थीटा 0 90 के बीच में है तो पॉजिटिव स्लोप होगी, और अगर 90 से अबो है, मतलब 90 से 180 के बीच में है तो आपको क्या लेनी है, नेगेटिव स्लोप लेनी है, तो इसमें ये होती है आपकी स्लोप लाइन की, ठीक है, टेन थीटा, और ये जो एक्स का जो कोफिशियंट होता है ना, एम बोलते हैं इसको, एक्स का जो कोफिशियंट है, मतलब इस एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसका जो कोफिशियंट है ये होता है आपकी स्लोप, और प्लस में जो कॉन्स्टेंट जुड़ा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाएंगे कैसे भाई, यहां पे मैं ये मान लेता हूं कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका ग्राफ बनाओ, तो यहां पे m क्या है आपका 2 प्लस में है ना पॉजिटिव, तो स्लोप आपकी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट आपका 3 है, इंटरसेप्ट आपका 3 है, तो देखो ये क्या बनेगा, ये आपकी होगी y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा, ग्राफ लाइन आपकी कैसी बनेगी, आपकी लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है, तो ये आपका 3, दिस इज 3, इंटरसेप्ट कितना 3 है, और ये जो है ना थीटा, ये थीटा यहाँ पे जो टेन थीटा है ये आपकी स्लोप है, और टेन थीटा स्लोप है, स्लोप मतलब m, ये आपका 2 के बराबर है, तो ये इसका ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर देखो यहाँ पे मैं क्या चेंज कर दूं इसमें, इसमें यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दूं, अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो आपका c क्या हो गया, यहाँ पे आपका m कितना हो गया, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, m आपका हो गया, m तो आपका 2 है, और c आपका कितना हो गया, c आपका माइनस 3 हो गया, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखो, अब की बार आपका जो इंटरसेप्ट है वो माइनस 3 है, प्लस 3 नहीं है, माइनस 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपकी y एक्सिस होगी, तो ये लाइन आपकी यहां से पास होगी, माइनस में इंटरसेप्ट है, मतलब नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, तो ये हो गया आपका इंटरसेप्ट कितना, माइनस 3, ठीक है, स्लोप अभी भी प्लस की है, m अभी भी प्लस का है, तो थीटा ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा है, ये जो टेन थीटा है ये आपका 2 के बराबर है, टेन थीटा किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो स्लोप प्लस की है ना, तो टेन थीटा आपका 0 से 0 के और 90 के बीच में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या चेंज कर दूं, देखो अगर मैं इसको तो प्लस का ही रहने दूं, इसको तो प्लस का रहने दूं, लेकिन यहां माइनस लगा दूं, तो माइनस 2 हो गया ना, स्लोप आपकी होगी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, तो आपका टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और टेन थीटा नेगेटिव कब होता है, जब आपका थीटा क्या हो, 90 और 180 के बीच में, तो आपकी देखो अब लाइन आपकी ऐसी बनेगी, ये आपका इंटरसेप्ट है 3, इंटरसेप्ट प्लस का है ना, तो 3, स्लोप आपकी ये है, दिस इज थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा कितना हो गया आपका, टेन थीटा आपका नेगेटिव है, माइनस 2 है, तो ये ग्राफ बनेगा आपका। अगर मैं दोनों को माइनस का कर दूं, तो देखो अगर इसको भी माइनस का कर दें और इसको भी माइनस का कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, स्लोप भी नेगेटिव आपकी और आपका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा देखो, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, तो अब ग्राफ कैसा बनेगा, अब लाइन आपकी यहां से पास होगी, ये है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल, कितना एंगल आपका, ये थीटा है तो ना हॉरिजॉन्टल, ये आपकी ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ लाइन जो एंगल बना रही है, ठीक है, कौन सी, देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, कैसे भाई, यहाँ पे तो एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ ये भी है, ये नहीं, जो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी ना इधर, तो जो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ इस तरीके, ये एंगल है ना आपको, कौन सा एंगल लेना है, ये वाला एंगल, बड़े वाला एंगल लेना आपको, जैसे आपकी लाइन यहाँ पे थी, यहाँ पे भी दो एंगल थे, एक एंगल ये था, एक एंगल आपका ये भी था, ये नहीं, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, इसके साथ जो एंगल बना रही है, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी, इस वाली लेनी है आपको, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो
टेन थीटा, थीटा देखो आपका 90 से बड़ा है ना, यहाँ पे थीटा 90 और 180 के बीच में है, तो टेन थीटा जब जब आपका थीटा 90 और 180 के बीच में हो तो टेन थीटा आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो टेन थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, नेगेटिव तो दे रखा है, टेन थीटा नेगेटिव दे रखा है, तभी तो मैंने इसको 90 से बड़ा लिया है थीटा को, ठीक है। आपका जो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे वो कितना है, वो आपका है माइनस में है, तो माइनस में है तो लाइन मैंने नीचे ले ली, अगर प्लस में होता तो लाइन को यहां ले लेता मैं, ऊपर ले लेता मैं, ठीक है। तो दिस इज माइनस थ्री। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है। अगर अगर क्या दे रखा हो, अगर इसमें ये आपका जीरो दे रखा हो, जीरो ये नहीं दे रखा, वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, मतलब प्लस जीरो कर लो तो सी कितना हो गया, जीरो। तो आपका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना हो गया, जीरो, मतलब जीरो का मतलब है कि लाइन आपकी ओरिजिन से पास होगी, इसने ओरिजिन ये कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, और ये आपका थीटा हो गया टेन थीटा, ये हो गया आपका, तो टेन थीटा आपका माइनस टू हो गया। अगर मैं इसको ऐसा देखो, ऐसा कर दूं कि ये जीरो है और ये प्लस का है, यहाँ पे अगर ये प्लस का है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ आपका बनेगा ओरिजिन से पास होगी और ऐसी लाइन बनेगी, थीटा आपका क्या ले लेना आपको 90 से छोटा, ठीक है 90 से छोटा। अगर ये प्लस का है तो थीटा 90 से छोटा, अगर ये माइनस का है तो थीटा 90 से बड़ा, 90 और 180 के बीच में, ठीक है। और ये बताएगा आपको कि कहां पे और वो वाई एक्सिस को कहां पे कट करने वाली है, वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगी, ओरिजिन पे कट करेगी, तो अगर जीरो है तो ओरिजिन पे कट करेगी, अगर प्लस का है तो इससे ऊपर से पास होगी, अगर नेगेटिव तो इससे नीचे से पास होगी, ऐसे, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब देखो आपको स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाने आ गए, अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाना है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में जो है एक्स इज इक्वल टू, जो हमारी इक्वेशन आई थी एक्स वन इज इक्वल टू, और यहां पे था आपका एक्स नॉट प्लस वी उसकी स्पीड थी, और टी वन टाइम में उसने कवर किया था, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने ये किया था, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐसे मत लिखो, इस टर्म को पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, वी टी वन प्लस एक्स नॉट, ऐसे मैंने इसको लिख लिया। तो ये जो इक्वेशन है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है आपको, एक्स के बीच में, एक्स वन के बीच में और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है आपको। एक एक्सिस पे लेनी है आपको एक्स वन, यहाँ पे ले लो, इस एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने, एक्स वन ले लिया, ठीक है एक्स वन ले लिया। चलो मैं इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लेता हूँ, देखो एक्स वन टी वन थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चेंज कैसे करेंगे भाई, मान लो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा आपका, और टी इज इक्वल टू जीरो पे वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है, और टी टाइम बाद वो यहाँ पे है, टी टाइम बाद, तो टी टाइम बाद उसकी जो पोजिशन है ये, इसको मैं एक्स बोलूंगा एक्स, तो एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था, तो एक्स नॉट प्लस क्या स्पीड है उसकी, किस स्पीड से चल रहा है वो, क्या वेलोसिटी है उसकी, वी, उसकी स्पीड वी है, तो प्लस वी कितने टाइम तक चला, टी टाइम तक चला, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, देखो कंपेयर करूंगा ना उससे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो इसको एक्स इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स नॉट, ऐसे लिख लिया मैंने इसको, तो ये हो गया आपका वाई, कंपेयर करो इसको किससे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी सी से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करो, तो y की जगह कौन है, x है, x की जगह कौन है, t है, और c की जगह x नॉट है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, कैसा ग्राफ बनेगा, अब y की जगह कौन है, y की जगह x है, x का मतलब x क्या है यहां पे, पोजीशन, तो ये जो ग्राफ बना रहा हूं मैं अभी किसके बीच में है, पोजीशन, और देखो x की जगह कौन है, t है, टाइम है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, xt ग्राफ है ये, इसका क्या बनाना है, xt ग्राफ बनाना है। ये इक्वेशन किसकी है, यूनिफॉर्म मोशन की ये इक्वेशन है, और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनाना है आपको, कौन सा ग्राफ बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, xt ग्राफ बनाना है। तो इस इक्वेशन को प्लॉट करना है यहां पे, तो इस एक्सिस पे कौन हो गया, x हो गया, इसको कंपेयर कर लिया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये सी आपका, तो यहां पे एक्स नॉट प्लस का है ना, तो x नॉट प्लस का, तो आपकी लाइन कहां से पास होगी, आपकी लाइन यहां से पास होगी, ठीक है, आपकी लाइन
अब इसको पीछे मत ले जाना क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। अब की बार यहाँ कोई एक्स नहीं है, यहाँ पे कौन टाइम है, तो इसको पीछे मत दिखाना, इसको सिर्फ इससे आगे दिखाना है, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखो ये जो है ये हमारा सी है, ये हमारा इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, तो ये किसके बराबर है, यहाँ पे एक्स नॉट के बराबर है, ये एक्स नॉट के बराबर है। और ये जो वी है ये क्या है आपकी, ये आपकी स्लोप है इसकी, वी एम की जगह है ना ये, तो एम तो ये थीटा एंगल है, तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा आपका हो जाएगा वी के बराबर, टेन थीटा वी के बराबर हो गया, मतलब ये कह सकते हैं जो स्लोप है ना इस लाइन की, स्लोप वो आपकी वी के बराबर है, स्लोप किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो जो आपकी स्पीड है वो आपकी स्लोप के बराबर है। अब इस तरीके से आपको क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं पोजिशन टाइम के बीच में। अगर ऐसा होता कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अब देखो इस ऑब्जेक्ट ने कहां से चलना शुरू किया था, इसने चलना शुरू किया था एक्स नोट से, टी इक्वल टू जीरो पे कहां पे था, ये एक्स नोट पे था, फिर चलना शुरू किया इसने, और टी टाइम बाद ये कहां पहुंच गया, एक्स पे पहुंच गया, कितने क्या क्या होगी इसकी पोजिशन, एक्स होगी, कितना चला ये एक्स, मतलब यहां पे कहां पे आ गया, ये एक्स पे आ गया टी इक्वल टू टी टाइम पे, ठीक है। स्पीड क्या थी इसकी, वी थी। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट टी इक्वल टू जीरो पे यहां पे नहीं ओरिजिन पे ही हो, अगर टी इक्वल टू जीरो पे यहां पे हो तो ये आपका क्या हो गया, ये जीरो हो गया ना आपका, तो एक्स नॉट क्या ले लेना है, जीरो लेना है। अगर टी इक्वल टू जीरो पे वो यहां पे है, स्टार्टिंग में यहां पे है, तो एक्स नॉट यहां ले लो आप, तो एक्स नॉट कितना हो गया, ओरिजिन के ऊपर ही हो गया, एक्स नॉट कितना हो गया, जीरो हो गया आपका। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टी इक्वल टू जीरो पे, मतलब कहां से चलना शुरू करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चलना शुरू करे, ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां से चलना शुरू करे, ओरिजिन से चलना शुरू करे, रेफरेंस पॉइंट से चलना शुरू करे, तो एक्स नॉट हो जाएगा उस केस में जीरो, तो आपका ग्राफ बनेगा, आपकी लाइन बनेगी ऐसी, ठीक है। ओरिजिन से पास होगी आपकी, ये आपका पोजिशन, यहाँ पे पोजिशन, यहाँ पे आपका टाइम, ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा दे रखा हो कि भाई ऑब्जेक्ट ये आपकी ओरिजिन है, इधर चलेगा वो, इधर चलेगा, लेकिन टी इक्वल टू जीरो पे वो ओरिजिन पे नहीं था, ओरिजिन से भी पीछे था, तो ये आपका हो गया एक्स नॉट। अब की बार जो एक्स नॉट आपका वो माइनस का है, तो इसको माइनस में रखेंगे यहाँ पे, दिस इज माइनस एक्स नॉट। तो टी इक्वल टू जीरो पे वो ओरिजिन से भी पीछे था, तो ओरिजिन ये है तो इससे पीछे था, एक्स नॉट पीछे था। अब टी टाइम बाद वो मान लो यहां पे चला गया, टी टाइम बाद मान लो यहां पे है, टी इक्वल टू टी पे वो यहां पहुंच गया, तो ये उसकी पोजिशन हो गई एक्स। टी टाइम पे पोजिशन क्या है उसकी, एक्स है। तो एक्स किसके बराबर होगा, एक्स किसके बराबर होगा, यहां पे देखो कहां से चलना शुरू किया उसने भाई, टी टाइम में कितना चला है वो, टी टाइम में इतना चला है वो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक चला टी टाइम में वो, उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड थी वी, स्पीड क्या थी वी, तो यहां से यहां तक चला है वी स्पीड से चला टी टाइम तक चला, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, वी टी कवर की। अब यहां पे जो एक्स है वो किस, ये आपकी वी टी है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी वी टी है, मेरे को तो सिर्फ ये चाहिए, तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा, माइनस एक्स नॉट, तो क्या आ जाएगा आपका, ये बच जाएगा ना एक्स, पर ये डिस्टेंस किसके बराबर है, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी तक कितना टाइम हो गया, टी टाइम हो गया, और टी टाइम में किस स्पीड से चला, वी स्पीड से चला है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की, वी इंटू टी डिस्टेंस कवर की। अब इसकी पोजिशन बतानी है आपको टी टाइम के ऊपर, इसमें दे रखा है कि उसने चलना कहां से शुरू किया है, माइनस एक्स नॉट से शुरू किया है, तो ये निकालना है मेरे को, ये मेरे को पता है वी टी के बराबर है, तो ये माइनस कर दूंगा ना उसमें से एक्स नॉट, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू वी टी माइनस एक्स नॉट आ गया। तो इसमें अगर इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इसको कंपेयर करो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां पे देखो सी माइनस का है, सी माइनस का है, स्लोप पॉजिटिव है इसकी, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहां से पास होगी, टाइम को माइनस में मत ले जाना, बस इसको यहां से शुरू कर देना, ये आपकी कौन सी एक्सिस है, ये आपकी टाइम एक्सिस है, ये आपकी पोजिशन, ये टाइम एक्सिस है, ये पोजिशन है आपकी एक्स, ठीक है। तो ये नीचे से यहां से शुरू हुआ, ये आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट है यहां पे नेगेटिव, तो ये आपका एक्स नोट नीचे की तरफ माइनस एक्स नोट, ठीक है। तो आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है कि भाई पहले तो ये देखना है कि वो कहां से चला है, टी इक्वल टू जीरो पे कहां पे है, टी इक्वल टू जीरो पे अगर ओरिजिन पे है, टी इक्वल टू जीरो पे अगर ओरिजिन पे है तो ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा,
टी इजिकल टू जीरो पे अगर वो ओरिजिन से आगे था तो आपका ग्राफ वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से आपकी लाइन पास होगी। अगर टी इजिकल टू जीरो पे ओरिजिन से पीछे था, स्टार्टिंग में कहां पे था, टी इजिकल टू जीरो पे ओरिजिन से पीछे था, तो आपका आपके जो इंटरसेप्ट वो नेगेटिव हो जाएगा, आपकी लाइन नीचे से पास होगी। तो ये तीन अलग अलग टाइप बन सकती हैं यूनिफॉर्म मोशन में। ये हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा ग्राफ डिस्कस किया है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजिशन टाइम ग्राफ डिस्कस किया है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो पोजिशन टाइम ग्राफ है वो आपका तीन अलग अलग टाइप का बन सकता है। अगर कोई चीज रेस्ट पे है, चलो पहले मैं बना लेता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जिसमें क्या हो, जिसमें वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज ना हो। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, आपको ग्राफ बनाना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, यहां इस एक्सिस पे आपको वेलोसिटी लेनी है, इस एक्सिस पे आपको टाइम लेना है, और यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो। आपकी इस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी, ये थी, इस टाइम पे भी वेलोसिटी यही है, वेलोसिटी तो सेम है ना भाई, इस टाइम पे वेलोसिटी देखनी तो वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो, इसको यहां मिला दो, ये वेलोसिटी इस टाइम पे, इस टाइम पे वेलोसिटी देखनी है तो इसको वर्टिकल लाइन ड्रा करो और उसको फिर यहां मिला दो, इस टाइम पे भी वही वेलोसिटी है। अगर इस टाइम पे देखना है तो इसको यहां ले जाओ, वर्टिकल मिलाओ और इसको यहां मिला दो, इस टाइम पे भी वही है। तो हर टाइम पे किसी भी टाइम पे देख लो, इस टाइम पे देख लो, वर्टिकल ले जाओ और इसको यहां मिला दो, यही मिलेगी। तो आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ये तो था आपका पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो उसका पोजिशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, पोजिशन टाइम ग्राफ किसका, जो रेस्ट पे है भाई। अगर कोई रेस्ट पे है तो उसकी पोजिशन क्या बदलेगी टाइम के साथ है? रेस्ट की डेफिनेशन यही है कि पोजिशन टाइम के साथ ना बदले, तो पोजिशन जो भी है वो वही रहेगी, पोजिशन टाइम के साथ नहीं बदलेगी, पोजिशन कॉन्स्टेंट रहेगी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। दिस इज ग्राफ फॉर रेस्ट के लिए ग्राफ है, पोजिशन टाइम ग्राफ है। अगर आपसे बोले कि रेस्ट के लिए पोजिशन टाइम ग्राफ नहीं, रेस्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भाई, अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो आपको यहां से लेके यहां तक इसको ऐसे मिला देना है, बस इसको थोड़ा सॉलिड बना दो, बस ये ग्राफ बनेगा इसी के ऊपर। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी हर टाइम क्या है, जीरो है, तो ये ग्राफ बनेगा उसका। तो ये था आपके यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो ग्राफ डिस्कस किए, पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एट रेस्ट के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजिशन टाइम ग्राफ डिस्कस किए। थैंक यू।